क्या यूनिवर्स किसी का ब्रेन है? क्या हम सच में किसी के ब्रेन में रहते हैं? क्यों यूनिवर्स और हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर में काफी सिमिलरिटीज मौजूद है? यदि आपको ये कहा जाए कि वैज्ञानिक भी इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तेजी से रिसर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो इस बात से अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम किसी के ब्रेन में नहीं रहते, और न ही इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन कुछ सबूत ऐसे हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि शायद हम किसी के ब्रेन में रहते हैं। भले ही आपको मेरी बातें पागलपन जैसी लगती हों, लेकिन मेरे पास आपको दिखाने के लिए दो तस्वीरें हैं। ये दो फोटो आज से करीब 16 साल पहले की हैं, जिसमें से एक फोटो चूहे के ब्रेन के न्यूरॉन्स सिस्टम की है, तो वहीं दूसरी फोटो हमारे यूनिवर्स का कंप्यूटर द्वारा बनाया गया सिमुलेशन है जो यूनिवर्स के कॉस्मिक वेव को दिखाता है। अब आप दोनों फोटोज को देखकर इस बात का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों फोटोज में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। दोस्तों, यदि मैं आपको ये नहीं बताता कि ये दोनों फोटो अलग हैं, तो यकीन मानिए आप दोनों फोटोज को यूनिवर्स की फोटो ही मान लेते। हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का अधिकतर हिस्सा पूरी तरह से निर्वात है, इसमें कोई पदार्थ मौजूद नहीं है। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स काम करती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यही ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में मौजूद हर एक पिंड के बीच तार का काम करता है। यहाँ तक कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव यूनिवर्स में मौजूद आकाश गंगाओं के बीच भी दिखाई देता है। यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक तार की तरह मान लें, तो ये हमारे यूनिवर्स में एक बहुत विशालकाय नेटवर्क को जन्म देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के इस नेटवर्क की तुलना यदि हम किसी मनुष्य के ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सिस्टम से करें, तो हम पाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बना ये नेटवर्क इंसानी ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स सेल्स के जैसा ही दिखाई देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रेन और यूनिवर्स की स्ट्रक्चर काफी हद तक एक जैसी ही दिखाई देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स और हमारा ब्रेन एक जैसा ही है, और ना ही ये इस बात का सबूत है कि हम किसी दूसरे के ब्रेन में रहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंसान प्रकृति में मौजूद चीजों के बीच सिमिलैरिटीज खोजने की कोशिश करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धरती पर मौजूद जानवरों को बादलों में खोजना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत बड़े डेटा को स्टोर करके रखता है, और जब वह किसी चीज को देखता है तो उसकी तुलना करने लगता है और उसमें सिमिलैरिटीज खोजने लगता है। शायद इसीलिए यूनिवर्स की फोटो और ब्रेन की स्ट्रक्चर में भी हमें काफी सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं। इस सिमिलैरिटीज को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों चीजें एक जैसी ही हैं। लेकिन इसी आधार पर हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के ब्रेन में नहीं रहते। लेकिन फिर भी साल 2020 में कुछ रिसर्च इस बात को लेकर भी पब्लिश हुई है कि हम किसी के ब्रेन का एक हिस्सा है। इन रिपोर्ट्स में ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स के बीच मौजूद सिमिलैरिटीज को हाईलाइट किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रेन का न्यूरोनल नेटवर्क पूरी तरह से कॉस्मिक वेव की तरह ही दिखाई देता है। दोनों के बीच स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली, नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेमोरी कैपेसिटी के बेस पर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखाई देती है। ये निष्कर्ष इसलिए ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष मानव मस्तिष्क में मौजूद कोशिकाओं के नेटवर्क और कॉस्मिक वेव को क्वांटिटेटिव कंपैरिजन और कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा प्राप्त किया है। यदि मानव ब्रेन की बात करें, तो यह करीब 86 अरब से भी ज्यादा न्यूरो सेल्स के न्यूरोनल नेटवर्क पर काम करता है। ऐसे ही यदि हम यूनिवर्स की बात करें, तो दिखाई देने वाले यूनिवर्स में 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज से मिलकर बना कॉस्मिक वेव का एक विशालकाय नेटवर्क मौजूद है। अब हम बात करते हैं इन नेटवर्क के बीच मौजूद सिमिलैरिटीज की। हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सिस्टम की सबसे खास बात यह होती है कि इस नेटवर्क में मौजूद सबसे ज्यादा घने और सबसे कम घने हिस्से अलग अलग होते हैं। बात करें इसकी डेंसिटी की, तो यहाँ मौजूद हाई डेंसिटी नेटवर्क और लो डेंसिटी नेटवर्क के बीच 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक डिफरेंस मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ठीक ऐसी ही डेंसिटी कॉस्मिक वेव के बीच भी देखने को मिलती है। कॉस्मिक वेव में मौजूद हाई डेंसिटी नेटवर्क और लो डेंसिटी नेटवर्क के बीच 5 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक का डिफरेंस पाया जाता है। ऐसे ही बात करें इनके बीच की दूरी की, तो यहाँ भी चौंकाने वाली बात देखने को मिलती है।
क्योंकि इनके बीच की दूरी का अंतर एक प्रकाश वर्ष से लेकर करीब 500 प्रकाश वर्ष तक पाया जाता है, जो बिल्कुल ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच मौजूद डिस्टेंस के जैसा ही है। अब आप कह सकते हैं कि मानव का स्वभाव तो सिमिलैरिटीज ढूंढने का ही है, तो फिर इसमें चौंकाने वाली बात क्यों है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक मानव ने प्रकृति में मौजूद जितनी भी सिमिलैरिटीज को देखा है, उन सभी सिमिलैरिटीज में कभी भी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को नहीं मिली है। इस रिसर्च को पब्लिश करने वाले वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन नेटवर्क और कॉस्मिक वेव के नोडल पॉइंट्स की जांच की तो पाया कि न्यूरॉन सिस्टम में मौजूद हर एक न्यूरॉन के हर एक नोडल पॉइंट से 4 से 5 एक्सॉन निकलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये रही कि ठीक इसी तरह से यूनिवर्स के कॉस्मिक वेव के नोडल पॉइंट से 4 या 5 आकाशगंगाएं जुड़ी हुई हैं। यानी जिस पैटर्न को न्यूरॉन सिस्टम दोहरा रहा है, ठीक उसी पैटर्न को कॉस्मिक वेव नेटवर्क भी दोहराता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन रिसर्च में एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई कि यदि हम पूरे यूनिवर्स में मौजूद विशालकाय कॉस्मिक वेव नेटवर्क को डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग में लाएं, तो इस नेटवर्क में हम करीब 4.3 पेटाबाइट तक डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि मानव ब्रेन में हम करीब 2.5 पेटाबाइट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2.5 और 4.3 में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानव ब्रेन की न्यूरोनल स्ट्रक्चर में कॉस्मिक वेव नेटवर्क से थोड़ा सा भी डिफरेंस होने पर स्टोर की जाने वाली इंफॉर्मेशन कैपेसिटी में डिफरेंस हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक 2.5 और 4.3 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मानते। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मानव ब्रेन के न्यूरोनल नेटवर्क और कॉस्मिक वेव नेटवर्क में ज्यादा डिफरेंस होने की बजाय सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं। ऐसे ही बात करें इंसानी ब्रेन के मास की तो एक इंसानी ब्रेन का करीब 77% हिस्सा पानी होता है। ठीक ऐसा ही कुछ हमें इस यूनिवर्स के मास के साथ भी देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स के टोटल मास का करीब 70% हिस्सा डार्क एनर्जी होती है, जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। बाकी के 30% हिस्से में हमें दिखाई देने वाले यूनिवर्स पिंड, ग्रह, तारे, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, मून्स जैसे विशालकाय ऑब्जेक्ट शामिल हैं। क्या यह भी एक संयोग मात्र ही है कि हमारे यूनिवर्स के टोटल मास और इंसानी ब्रेन के टोटल मास का ज्यादातर हिस्सा एक अलग ही तरह के पदार्थ से बना हुआ है? ऐसा नहीं है कि आज ही हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम किसी और के ब्रेन में रहते हैं। दुनिया भर में फैली प्राचीन सभ्यताओं में इस तरह के विचार आम बात है, जैसे कि नॉर्स पौराणिक कथाओं का एक पात्र यमीर, चीनी पौराणिक कथाओं में पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण करने वाले देवता पंगु, ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक देवी गेया, मिस्र की प्राचीन कथाओं का एक पात्र गेब के बारे में अलग अलग किंवदंतियां मौजूद हैं। सभी के पास अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सभी में एक बात कॉमन है कि हम भगवान के ब्रेन में रहते हैं। हो सकता है कि आज के वैज्ञानिक युग में हम सिर्फ ये माने कि ये हमारे पूर्वजों की आदिम मान्यताएं हैं, लेकिन ये मान्यताएं अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करती हैं कि जिस विषय पर आज आधुनिक विज्ञान काम कर रहा है, उस विषय के बारे में हमारे आदिम पूर्वजों को कैसे पता चला? इस सवाल का जवाब शायद ही कभी मिल पाए। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना हुआ है, लेकिन हम इस डार्क एनर्जी के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन हम सभी इसी डार्क एनर्जी में ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन का 77% हिस्सा पानी से बना हुआ है। अब यदि हम कुछ पल के लिए मान लें कि हमारे ब्रेन में कोई रहता है, तो उसके लिए हमारा ब्रेन कैसा दिखेगा? यदि हम ऐसा मानते हैं तो इसका मतलब है कि वे न्यूरॉन सेल्स और न्यूरोनल नेटवर्क पर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी के बारे में शायद कुछ समझ ही नहीं पाए कि यह क्या है। वे इसी पानी में रहेंगे और इसी में तैरते हुए न्यूरॉन्स, सेल्स और नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही वैज्ञानिकों का मानना है कि आज हम डार्क एनर्जी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन यदि हम इस यूनिवर्स से बाहर निकल पाए तो हो सकता है कि यूनिवर्स में मौजूद डार्क एनर्जी के बारे में कुछ समझ पाए। हम जानते हैं कि यदि हम दो सेम स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को देखें तो हम पाएंगे कि दोनों के गुण वास्तविकता में एक जैसे ही होंगे। तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि जिस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है, ठीक उसी तरह से हमारा ये यूनिवर्स भी काम करता है? ठीक ऐसे ही क्या हम ये नहीं मान सकते कि जिस तरह से यूनिवर्स काम करता है, ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन भी काम करता है? ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि जब कोई दवा कंपनी किसी नई दवा को विकसित करती है तो वो भी इसी पैटर्न पर काम करके दवा के असर के बारे में समझने की कोशिश करती है। ऐसे ही यदि हम यूनिवर्स और इंसानी ब्रेन को देखें तो दोनों की स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में यूनिवर्स काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर के बेस पर यह माना जा सकता है कि जिस तरह से इंसानी ब्रेन में चेतना मौजूद होती है, ठीक उसी तरह से यूनिवर्स में भी चेतना मौजूद हो सकती है। ऐसे ही आधुनिक दुनिया को देखें तो हमारे पास इंटरनेट सिस्टम मौजूद है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर भी काफी कुछ यूनिवर्स और हमारे ब्रेन से मिलती जुलती है। इंटरनेट नेटवर्क में बात करें नोडल पॉइंट्स की, तो वे पॉइंट्स स्मार्टफोन और कंप्यूटर होंगे। ये इंस्ट्रूमेंट न्यूरॉन्स सेल्स की तरह इंफॉर्मेशन को एक नोडल पॉइंट से दूसरे नोडल पॉइंट्स तक ट्रांसफर करते रहते हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि हमारे ब्रेन की तरह ही इंटरनेट के इस नेटवर्क में भी चेतना मौजूद है? आज के टाइम में इसका जवाब होगा नहीं, लेकिन भविष्य के इंटरनेट नेटवर्क के बारे में आपका क्या विचार है? भविष्य में यह नेटवर्क कैसा होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि आज के नेटवर्क में मौजूद नोडल पॉइंट्स अभी बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हुए हैं। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जल्दी ही ये इंस्ट्रूमेंट्स इंटेलिजेंस के अलग ही लेवल तक पहुंच सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो यह नेटवर्क खुद ही चेतना को विकसित करना शुरू कर देगा। भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तेजी से इंटरनेट की दुनिया बदल रही है, उसे देखते हुए हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या हम भी इंटरनेट नेटवर्क की बजाय किसी दूसरे यूनिवर्स का निर्माण कर रहे हैं? क्या सच में हम किसी के ब्रेन में रहते हैं? आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।